क्या रहा है? स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपलेस इन सिएटल, क्या है? यहाँ काम करने आ बे, तू सोने आ बे मारे सर पे? एहसान कर रहा है तू? कौन नहीं, क्यों, किस लिए? मैं तो काम करने आता हूँ मैडम। वो मैडम, वो सच बात तो ये कि पूरी रात सोया नहीं मैडम। मैडम, बीवी ने गुस्से में आके घर से बाहर निकाल दिया और पनिश कर दिया था। हाथ ऊपर करके खड़ा था मैडम पूरी रात घर के बाहर, तो बिल्कुल सोया नहीं। तो चौकी में आके मैडम, इसके लिए मैं चौकी में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लोगों को कैसा लगेगा वहां सोऊंगा, इसके लिए स्टोर रूम में आके सो गया मैडम अलग से। सही बात है यार, लाइफ इज डिफिकल्ट। तू एक काम कर, मैं थारी प्रॉब्लम ने समझ सके हूं। हाँ बिल्कुल, वेरी मैं अंडरस्टैंडिंग है, वुमन नेचर, फीलिंग्स, सब कुछ। तू घर जाके सो जा। क्या बात है मैडम, मुझे पता था मैडम कि आप मतलब आप मेरा दर्द समझेंगे। हाँ। प्रेम का सागर है आप, मैडम दया का सागर है। यू आर सस्पेंड, मतलब सस्पेंड फ्रॉम ड्यूटी। और जब तक मैं फोन करके ना बुलवाऊं कि प्लीज गुलगुले तू आ जा, थारी जरूरत है यहाँ पे, तब तक तू मत आ, क्योंकि मैंने कई दिनों से एनकाउंटर ना करा है। मैडम प्लीज, अगर तो तू आ गया तो मौत की नींद में, अभी तो फिलहाल चलो निकलो। मैडम प्लीज फास्ट। नहीं सुनिए, सस्पेंड। ओ, मूड ठीक नहीं था जी, इसलिए बांसुरी बजा रहा हूँ। भाई कलयुग आ गया है, कंस बांसुरी बजा रहे हैं। वो जो पड़ोसी स्टेट से बुलवाया था चौकी का इंस्पेक्टर, हैं कहाँ है वो? Well, mom, सब नहीं होते आपकी तरह पंचर इज़दा। पंचुअल। या दिस वन, सब नहीं होते आपकी तरह पंचुअल इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था चंचल इज़दा। क्या है यो? अंदर कर। हो गया जी। अबे अंदर कर। कर लिया जी। जो अंदर है हा? तो बाहर क्या है फिर? ये है। सतुर करना आते। नमस्कार मैडम। दरअसल अच्छा हुआ कि आप इस केस में कूद पड़ी, वरना मेरी तो नौकरी जाने वाली थी। बाकी भाभी भोपाल में, चाची चौपाल में। आपका नाम क्या है जी? देरिया। देरिया, ऐसा क्या काम कर रिया आप देरिया साहब की आपकी नौकरी जाने वाली थी? दरअसल बात यह है मैडम कि जैसा कि आपने बताया कि आपके स्टेट से निकला हुआ एक ट्रक हमारी स्टेट में नहीं पहुंच रहा, बिल्कुल वैसे ही हमारी स्टेट से निकला हुआ एक ट्रक, एक टेम्पो, एक मिनी ट्रक आपकी स्टेट में नहीं पहुंच रहा। ये कहीं ना कहीं बीच में ही गुम हो रहे हैं मैडम। बाकी भाभी भोपाल में, चाची चौपाल में। इसका मतलब हमारा शख्स सही निकला। इनके स्टेट से निकले हुए कई सारे वाहन हमारे यहाँ नहीं पहुंच रहे, और हमारे स्टेट से निकला हुआ ट्रक इनके यहाँ नहीं पहुंचा, बीच में ही ये वाहन गायब हो रहे हैं। Well, mom, हम इनसे ले लेते हैं गाड़ियों के नंबर इस दा, जून जुलाई अगस्त सितंबर इस दा। नंबर लाए आप गाड़ियों के? हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, ये लीजिए मैडम ये नंबर है, और किसी तरह बस आप केस सॉल्व कर दीजिए, मेरी नौकरी बचा लीजिए। बाकी भाभी भोपाल में, चाची चौपाल में। सिफारिश पे लगी ना नौकरी तुम्हारी? जी मैडम, आपको कैसे पता? क्योंकि भाभी भोपाल में और चाची चौपाल में। वाँ 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 वाँ। माल कहाँ है शेट्टी? हम शेट्टी नहीं है, 100 बार बोल चुके हम शेट्टी नहीं है। सोना कहाँ है शेट्टी? अबे कौन सा सोना बे, कौन सा शेट्टी, हम शेट्टी नहीं। बिल्लू पागल हो गया बे, तू गन हटा हमारे सामने से। कौन बिल्लू? इंस्पेक्टर विश्व प्रताप सिंह नाम है मेरा। अबे क्या बोल रहा है? और मेरा निशाना आज तक नहीं चूका। गन हटा दे बिल्लू, गन हटा दे, कितने पास है तो किसी का निशान नहीं चुकेगा। हटा दे गन, हटा दे। कुछ हुआ था क्या? होगा बेटा, बहुत कुछ होगा, आप देख ले।
मिस चौटाला थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया इसने हमको, थर्ड डिग्री। आप चाहती है हम इसका खून कर ले और सूली पर चढ़ जाए, आप चाहती है ये? वेल सर, हो जाइए कूल डाउन इज द संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन इज द। हाँ, तू पहले घुस ले यहाँ, बिल्कुल अपनी राइमिंग बैठा ले यहाँ पे। सॉरी सर। देखिए ऐसा है, लुक एट द बिग पिक्चर, ये सब छोड़िए, वो सब होता रहे वे। सर आर यू विथ मी? विथ यू सर। ये जो ट्रक टेम्पो लॉरी जीप वगैरह ये सब वाहन हो रहे हैं ना, ठीक है, ये गायब हो रहे हैं, मान लिया। हाँ जी, हो रहे हैं। और इनका जो है सामान जो है बेचा जा रहा है, चोरी का सामान। लेकिन ये इतने बड़े बड़े जो वाहन है सर, यो कोई जो है चिल्लर तो है नहीं कि मुट्ठी में बंद करे और जेब में ठूस लिए। Well, mom, what is the plan? Is the खुले हैं मेरे कान इस दा। प्लान यो है कि सर जी आप जो है बिल्लू को लेके उसी ढाबे में जाएंगे जहां पे जो है ट्रक चोरी हुआ था। अरे मिस चौटाला, आपको और कोई नहीं मिला? ये बिल्लू के साथ हम ना जाएंगे। गोपी को ले आइए। नहीं बिल्लू ठीक है। सही है। सुनो अभी क्या करना, तुम्हारे साथ मेरी बात सुन ले। एक्सक्यूज मी अबे हमें खोल तो दो। यही तो हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। मुसाजी अब हम कैसे पैसे कमाएंगे? अबे यही तो हम सोच रहे हैं कि अब हम पैसे ऐसे पैसे कैसे कमाएंगे। मुसाजी अब हम घर कैसे चलाएंगे? अबे बड़ा दिमाग तेज हो गया तुम्हारा। यही तो हम भी सोच रहे थे कि अब हम घर कैसे चलाएंगे। अबे कोई है क्या ढाबे में? ओए बोले ओए, ऐसी क्या बात कर दी सर जी, हम हैं जहाँ पे। अबे जाओ मालिक को बुलाओ, चलो जाओ निकलो यहाँ से। एक कमेंट जी, क्या मालिक क्या बोल रहे जी, हम बालक हैं यहाँ के, तो आपको क्या हम यहाँ के नौकर लग रहे हैं? हैं इधर इधर हैं। वो क्या है ना, हमारे डैडी को बहन चाहिए थी, हमारी तो जरा मिक्स हो गया। अच्छा जी, आपको भी जी मैं नौकर जैसा लग रहा हूँ? थोड़े थोड़े बताएं एक बात जी, कईयों को धोखा लगा, समझ नहीं आई कि ओ ए, इसके आप खैर बताओ जी, आपके लिए क्या ले आए? अंडा तोड़ दूं मैं वो उसमें दाल में है। चोरी का ट्रक 4 लाख रुपए में दिला सकते हो क्या? के जाजे क्या बात कर रहे हो आप? है चोरी का ट्रक हो तो हम यहाँ ढाबा चला रहे हैं, ट्रक बेच रहे हैं चोरी के। और देखो जी ये बताओ आपको खाने में क्या लाके दूं, दाल गाड़ी है। मैं जी ये क्या जानने की ऐसे क्या? अबे ना सोचो मत यार, ये लो 10,000 और बाकी के 4 लाख दे देंगे, ट्रक जैसा मिल जाएगा, समझे? ज्यादा टेंशन ना लो पाजी, मर दो मर जैसी बातें करो। है हाँ ठीक है। इधर इधर कंट्रोल यार। ठीक है, अब आपने जी ये 10,000 मारे हाथ में रख दिए और ऐसी बात कर दिए, तो ठीक है आप एक काम करना जी, रात को ढाबे के पीछे आ जाना, मैं पार्टी बुला के रखूंगा, बाकी दाल गाड़ी है, है? अरे कब से तुम इधर इधर ही है, ये करते जा रहे हो, ट्रक तो तुम्हारा ही नहीं रहा है, है? हाँ। इधर इधर और जा रहा आपका जे आदमी, बहुत डराता है बार बार इधर इधर कह के। हमें भी डराता कई बार, अब क्या करे, बहन है तो बहन? काम चलाना पड़ता है। अच्छा बहन। ओ, आ गया जी, आ गया आपका ट्रक, आ जा। एक मिनट जी, मैं जरा लेके आता हूँ, सेट करके आता हूँ बंदे को। जल्दी जाओ जल्दी। सर, ये तो वही लड़की है। बाबू बाबू, दिल पे नहीं काबू। अबे लड़की पे नजर जाएगी तेरी, टेम्पो का नंबर देख। ये वही टेम्पो का नंबर है जो उस तरफ के पुलिस अफसर ने मिस चौटाला को दिया था। कर ले डील है। हाँ जी। इधर इधर माल लेके आए हैं?
ये रहा माल, दिखाओ बे माल, ये कितने हैं बाबू? बाबू दिल नहीं काबू, पूरे 4 लाख हैं। 4 लाख? चोरी का ट्रक 4 लाख में नहाना जरूरी है क्या? इधर इधर। नहीं नहीं, 4 लाख में नहीं, नहीं मिलता चोरी का ट्रक 4 लाख में। चलो चलो चलो, अरे मेरी बात सुन, समझा कर। अबे 4 लाख में तो तुमने बोल दिया था हो जाएगा। एक मिनट सर, मैं जरा सेटिंग करके आता हूँ, एक मिनट रुक गया। अबे मेरी बात सुन, क्या तू ऐसे क्या कर रहा है? हेलो, हवलदार बिल्लू बोल रहा हूँ यार। अरे ये तो पुलिस है, भागो। अरे भागो, अरे तो भागो, भागो। अबे क्या किया बे? इंजन 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 करता जाता था। एक बात तो साबित हो गई, ट्रक चोरी हुआ है और चोर वही लोग हैं। और वो टिंगू पहाड़ी लड़की भी वही थी, और ट्रक का नंबर भी वही था जो उस पड़ोसी स्टेट के जो है इंस्पेक्टर ने हमें लाके दिया था। उन लोगों में से कोई एक भी हाथ लग जाता ना तो केस सॉल्व हो जाता। एक क्या मिस चौटाला, हम सारों को पकड़ लेते, लेकिन ये भुलक्कड़ बिल्लू है ना, इसने सारा हमारा गेम खराब कर दिया। मैडम वो आदत पड़ी हुई ना कि कोई भी फोन आए तो उठा के बोलना है कि बिल्लू हवलदार स्पीकिंग, तो उसमें गड़बड़ हो गई, वरना तो आपको पता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट, ईमानदार, कॉन्फिडेंट पुलिस वाला हूँ। शाबाश, जुम्मा जुम्मा 6 दिन हुए ना पुलिस में भर्ती हुए, कि इसे आदत पड़ गई है हवलदार बिल्लू कहलवाने की। एक से एक यहाँ भरे पड़े। Well, mom, वो हो गए होंगे और भी स्तर किसदा, मेरी सास अपने नौकर और मुझ में नहीं करती कोई फर्क किसदा। सही करती है। सर एक बात सुनिए, जरा शुरू से शुरू करते हैं। ट्रक का ढाबे पे आना। ये ट्रक पास हुआ है कल रात को 10:30 बजे शाम में। कह रही हूँ इस नंबर का टी रख तो क्या, 2 पहिए की साइकिल देखी आप? वो तक मेरी चुंगी जब पास नहीं हुई। जैसा कि आपने बताया कि आपके स्टेट से निकला हुआ एक ट्रक हमारी स्टेट में नहीं पहुंच रहा, बिल्कुल वैसे ही हमारी स्टेट से निकला हुआ एक ट्रक, एक टेम्पो आपकी स्टेट में नहीं पहुंच रहा। ये कहीं ना कहीं बीच में ही गुम हो रहे हैं मैडम। आखिर ये सब गए तो गए कहाँ? नहीं नहीं नहीं, ये कोई चोरी का माल नहीं है। मेरे घर के पास जो पहाड़ है ना, वहीं पे चाय उगती है, मैं खुद चुनकर लेके आती हूँ। चलिए। हैं? अरे चलिए, इससे पहले कि वो लोग भाग जाएं। चलिए। अरे अबे पीछे हो गए, हमारे अकेले ना छोड़ो मेरे से। Well, let's go is the, देखा जाएगा जो भी हो is the. Mom? Oh my God! La 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 la, la 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 la.
क्या बात है मैं छोड़ाला, कुछ दिख गया क्या आपको? सर आपने हमारा दिल तोड़ा है ना, आज हम मिलके जो है ना ग्रुप सुसाइड करेंगे। चलो बैठो जीप में, चलिए चलिए। सुसाइड क्या है? अरे मजाक कर रही है, फोड़ी चलो यार। हम क्यों? अबे सुसाइड थोड़ी ना करेंगे, ऐसे ही हो। नहीं ना कुछ नहीं, मजाक कर रही है, मजाक कर रही है ना। मजाक कर रही है ना। हिलने की कोशिश ना करना बे। ओहो बड़ा कांड करके रखा है यहाँ पर, चोरी का ट्रक, चोरी की गाड़ी, सब कुछ है। मैडम हमें छोड़ दीजिए, हम आपको माला माल कर देंगे। क्यों नहीं? Well, तुम हमें कर दोगे माला माल इसदा, मम्मी जी मार मार के कर देंगी तुम्हें लाल इसदा। तुम्हें क्या लगा है कि तुम इतना बड़ा एक कांड करोगे, इतना बड़ा एक छलावा रचोगे और पुलिस को पता ना चलेगा? बेवकूफ है हम। हाँ? क्यों बे पहाड़न हाँ? शानी बनती है गायब हो जाती है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि तुमने पहाड़ के अंदर ये टेम्पो, ये चोरी का माल, ये सब इतना सारा सामान छिपा के रखा है, करेक्ट? जानना चाहते हो? अबे हमें खुद नहीं पता, हम क्या बताएं? ऐसा है, एक मैं सबसे पहले जो यहाँ का कलाकार है, जो चित्रकार है, जो आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ सब करा है ये सब काम, उसे मैं बधाई देना चाहूंगी कि भैया अंदर गुफा है पहाड़ के, और किसी के बाप को ना पता कि अंदर गुफा है, क्योंकि बाहर पहाड़ का ऐसा नकली क्रिएट करा हुआ है, नकली पत्थर, नकली जो है भूसा ऊसा, चित्रकारी, पेंटिंग, खूब बढ़िया तरीके से एक पहाड़ का एक छलावा सा रचा हुआ है। ये 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 कौन है इसका रचयिता, आप में से एनीबॉडी? जी मैं। अरे आप है, अरे तालियां। बहुत बेहद खूबसूरत, वेरी नाइस। मतलब मैं जो है इतनी इंप्रेस हो गई कि किसी को पता ही ना चलेगा कि भाई इसके अंदर गुफा भी हो सके। लेकिन फिर भी तो फंस गया है, ऐसा कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। तैने जो है पत्थरों के बीच में एक लाल खूबसूरत फूल बना दिया था भाई, फूल लेकिन था बहुत खूबसूरत। तालियां एक बार। थैंक्स। लेकिन वो फूल इस मौसम में ना उगता। अरे इस मौसम में के ना तो इस स्टेट में उगता है और ना ही ऐसे किसी रीजन में। वो फूल उगता है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में, और यो तो कश्मीर है ना, है जी। तो अब यो बात मन ने कैसे पता? तो यो मन ने ऐसे पता क्योंकि बचपन से ही मन ने साइंस में, बोटनी में बड़ा शौक था। मैं 100 on 100 टॉपर थी। तालियां। बोटनी क्या होता है? अरे डोंट वरी सर, आज रात को जो है कैंडल लाइट डिनर में मैं आपको किसी गार्डन में समझा दूंगा। रहने दीजिए, हमें नहीं समझना, हम ऐसे ही समझ लेंगे, खा पी लेंगे, पत्ते वत्ते जो भी करना। चलो भाई, हिमालय की गोद में पली बड़ी गैंग, यू आर अंडर अटैक।